नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं मनीष कुमार। आज के मुख्य समाचार। जदयू प्रवक्ताओं ने एक लड़की के साथ तस्वीर जारी कर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के संस्कार पर उठाया सवाल। उधर तेजस्वी यादव ने जदयू के आरोपों का किया खंडन, कहा जदयू नकारात्मक राजनीति कर रही है। छात्र संघ चुनाव कराने सहित कई मांगों को लेकर आयशा ने पटना विश्वविद्यालय गेट के समीप किया प्रदर्शन। ऑपरेशन जिंदगी के तहत पटना समाहरणालय में लगा ब्लड डोनेशन कैंप। डीएम संजय अग्रवाल ने डेंगू से निपटने के लिए पूरे जिले में कैंप लगाने की बात। और संत माइकल स्कूल में दो दिवसीय इंटर जीसस स्कूल मीट का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। जेडीयू प्रवक्ताओं ने तेजस्वी यादव का एक लड़की के साथ तस्वीर जारी करके आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पूछा कि यह लड़की कौन है और उनके बेटे तेजस्वी यादव के साथ उनके क्या रिश्ते हैं। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह, नीरज कुमार और निखिल मंडल ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्वीर जारी की, जिस तस्वीर तेजस्वी यादव के एक लड़की के साथ नजर आए हैं। उनके पीछे शराब के बोतल भी नजर आ रहे हैं। जदयू के प्रवक्ताओं ने तेजस्वी यादव के संस्कार पर सवाल उठाते हुए शराब पीने का भी आरोप लगाया है। तो लेटर भी मिल रहे हैं कि ये फोटो इनका दिखना और उसके बाद विपक्ष के नेता के रूप में सरकारी आवास में नहीं रहना दिल्ली में, तो स्वाभाविक रूप से कुछ एक संदेह के सवाल खड़े होते हैं। इसलिए मेरा लालू जी से अनुरोध होगा कि राजनीतिक प्रवचन तो आपका भूल हुआ, कम से कम अपने परिवार का प्रवचन जरूर एक बार बिहार की जनता के सामने बोलिए कि हमारा बेटा कहाँ रहता है। एक महीने तक, डेढ़ महीने तक दिल्ली रहे तो दिल्ली में कहाँ रहे। और ये जो फोटो इनका है तो यह इसमें ये एक शराब की बोतल है, तो शराब के बोतल से क्या संबंध है आगे? ये तेजस्वी जी का ये क्या रंग है? हेलो, इतने कानून में संपत्ति अर्जित करना और ऐश मौज करना, आप क्लियर इसमें दिखाई दे रहा है शराब का बोतल है, एक लड़की के साथ ये रंगरेलिया मना रहे। मैं पूछना चाहता हूं लालू यादव से कि आपका यही संस्कार है परिवार का? लालू जी चलनी दूसरे सूप को जिसमें 72 छेद, इसलिए लालू जी पहले अपने घर को देखिए तब दूसरे के घर में झांकने का कोशिश कीजिए। वहीं जेडीयू के आरोपों पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू ने जो तस्वीर दिखाई है वो काफी पुरानी तस्वीर है, जब वो क्रिकेट खेला करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि आखिर इस तस्वीर में गलत क्या है। वहीं तेजस्वी यादव ने बताया कि फोटो में जो महिला है उसमें उसे पर्सनली नहीं जानता, क्रिकेट के दौरान पार्टियां होती थी, हम सभी जाते थे, उसी समय की ये तस्वीर है। आज सेल्फी खिंचा रही है तो इनको सबों का चरित्र खराब लग रहा है। ये नई पीढ़ी या नया जनरेशन या पहले की भी लोग, ये बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने किस प्रकार से महात्मा गांधी का भी, जवाहरलाल नेहरू का भी, बीजेपी के आईटी सेल के लोगों ने किस हिसाब से फोटो गंदी गंदी चलाई हैं और गंदे गंदे टिप्पा टिप्पणी इन लोगों ने करने का काम किया है, तो इसका क्या स्पष्ट है कि गांधी जी का चरित्र खराब था, नेहरू जी का चरित्र खराब था? क्या नीतीश कुमार जी क्या कहना चाहते हैं? जिन बापू के सिद्धांतों को लेकर के चंपारण सत्याग्रह बनाने का काम किया गया तो नीतीश कुमार जी का क्या कहना है इस पे? और किसी राज्य का मुख्यमंत्री पर जब इतने गंभीर आरोप लग रहे हो तो हमको तो खुशी होती कि खुद आकर के स्पष्टीकरण देते, लेकिन अपने लोगों से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, अपनी मन की बात करवाने का काम करते हैं। अब कौन कहां रुकता है इस पे चर्चा हो रही है दिल्ली में? मेरा परिवार इतना बड़ा है, 6-6 बहन है मेरी, 7-7 बहन है, 6 बहन मेरी दिल्ली में रहती है, हम लोग कहां रहते हैं किसी को पता नहीं है क्या?
अब बिहार निवास में या बिहार भवन में जब मुख्यमंत्री, हम बोलना नहीं चाहते लेकिन अब क्या करिएगा, जब मुख्यमंत्री आते तो अपना सामान बिहार भवन भिजवा देते, फिर द्वारका से जाते हैं, द्वारका से फिर गुड़गांव और पालम बिहार को कितनी गाड़ियां बदल करके जाते हैं, हम लोगों को नहीं पता है। तो अब हम उसकी राजनीति करेंगे क्या बैठ करके? राजद जदयू के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच जदयू ने शुक्रवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का कारगिल चौक पे पुतला दहन किया। गौरतलब है कि लालू प्रसाद ने राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह पर शराब माफियाओं का संरक्षण देने का आरोप लगाया था, जिसके विरोध में जदयू कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रसाद पर ही बालू माफियाओं और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। लेकिन लालू जी आपके ही पार्टी के विधायक बालू माफिया से मिले हुए हैं, आपके ही विधायक दारू माफिया से मिले हुए हैं। पहले अपना घर साफ कीजिए, अभी आपको जाने का बारी है, फिर फैमिली जेल जाइएगा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। दरोगा बहाली 2017 के स्नातक धारक को भी फॉर्म भरने का मौका देने समय कई मांगों को लेकर बीपीएससी कार्यालय के समीप अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि बीपीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में 1 जनवरी 2017 के पहले के स्नातक धारक को ही आवेदन करने का मौका मिल रहा है, जिससे सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। आपका पास आउट है, वो फॉर्म भरें ताकि सभी बच्चे देश हित में अपने योगदान दें। बहुत सारे लोगों का मतलब कैरियर ये बीपीएससी द्वारा ये चौपट कर ये का काम किया गया है। मतलब है कि इस वर्ष तो दरोगा का वैकेंसी निकला है जो काफी दिनों के बाद, काफी वर्षों के बाद निकलती है, तो ये जो नोटिफिकेशन निकला है 2017 में निकला है, और हम लोग यही केवल चाहते हैं कि जिस तारीख से नोटिफिकेशन निकला है उस तारीख से आप एज मांगे और उस तारीख से ही सर्टिफिकेट मांगे। जिस स्टूडेंट के पास है उसके पास पढ़ने का पूरा हक है, वो भरे। हमारी यही गुजारिश है आयोग से। संत माइकल्स हाई स्कूल में शुक्रवार को 2 दिवसीय इंटर जीसुट स्कूल मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रोविंसियल फादर जोस बाड़ा सेरी के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया। माई बिहार माई प्राइड विषय पर आधारित कार्यक्रम में संत माइकल हाई स्कूल के अलावा येसु समाज से जुड़े काइस्ट, राजा स्कूल बेतिया, संत जेवियर हाई स्कूल पटना, होली फैमिली स्कूल चेनारी समेत कई स्कूल की छात्राओं ने प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम के पहले दिन गायन प्रतियोगिता के अलावा SKIT कंपटीशन समेत कई प्रतियोगिता में भाग ले रहे स्कूली बच्चों से एक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जिसे देख लोगों ने खूब सराहा। इस अवसर पर संत माइकल स्कूल के प्राचार्य फादर आर्मस्ट्रांग एडिशन ने बताया कि पठन पाठन के साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और उसकी पहचान के लिए समय समय पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। कई साल पहले इस प्रकार के कार्यक्रम होता रहता था, लेकिन कई सालों के बाद अभी पहली बार हम इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। जैसे मैं इस कॉम्पाउंड में आए, तब से मैं अच्छी अच्छी बातें सुनते आ रहा हूं। इस सारे कार्यक्रम के आयोजन में सेंट माइकल स्कूल के टीचर लोगों की सहभागिता सहयोग प्रशंसनीय है। Bye.
was emphasizing the importance of unity in our country. Though we are different in many ways, we belong to one nation. This year we thought of choosing this theme, My Bihar, My Pride. We want to inculcate the value of feeling for the state, that this is my state, we have to own this state. This state belongs to me, this state gives me my identity. And whatever I should do for this state, there's nothing to feel bad about this state. There's a lot of goodness in this state. Our history is a very, very envious history. We have a great tradition. This was a cradle of religions. So we want to drive home this message to our students, that they take pride in belonging to this state. Garv se hum kahe hum Bihari. And that was a motto for the reason for choosing this theme for this year. Besides, we want our students to contribute to the state. It's not that you get educated here and run away from the state. You need to invest in the state. This state has invested in you so much. NGO और अलग-अलग एजेंसियों द्वारा पटना जिले में हुए 13.50 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले में डीएम संजय अग्रवाल द्वारा किए गए जांच में पीएसडी पटना के अफसरों पर हुए एफआईआर के बाद डीएम ने कहा कि इस घोटाले में शामिल तमाम लोगों को चिन्हित कर लिया गया और जल्द ही तमाम दोषियों पर एफआईआर कर गिरफ्तारी की जाएगी। गौरतलब है कि जांच में पूर्वी पीएचडी पटना के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता विनय कुमार सिन्हा और अकाउंटेंट बिटेश्वर प्रसाद पर एफआईआर की गई है। देखिए, पिछले दिनों जब मैं कलेक्ट्रेट में समीक्षा कर रहा था तो ये पाया गया कि वर्ष 2012-13, 2013-14 जो शौचालय का निर्माण हुआ उसमें बहुत बड़ी राशि एनजीओ के खाते में ट्रांसफ़र कर दी। तो ये ट्रांसफ़र तब होगा जब ये पीएचडी से ये स्कीम ट्रांसफ़र होकर के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में चली गई। तो उस बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड था उस समय वहाँ के कार्यपालक अभियंता विनय कुमार सिन्हा के द्वारा लगभग 13 करोड़ रुपये की राशि 3 एनजीओ के खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई जो इलीगल है और वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं। तो हम लोगों ने कार्यपालक अभियंता विनय कुमार सिन्हा पर एफआईआर, साथ ही जो लेखापाल है बिट्टू सिंह उन पर भी एफआईआर करने का आदेश दिया है। साथ ही तीनों एनजीओ प्लस 2 आदमी एक्स्ट्रा हैं उनके संचालकों पर भी एफआईआर के आदेश दिए हैं और कल गांधी मैदान में देर रात एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई का भी अनुरोध विभाग से किया गया है और लेखापाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और भी कई मामले नाम सामने आएंगे क्या सर आगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसमें हम लोगों ने पूरी जांच करवा करके ये कार्य किया गया है। तो जो भी इसमें दोषी थे उन सभी को चिन्हित कर लिया और जो भी दोषी थे उनके खिलाफ हम लोगों ने 15 दिन पूरी जांच की, एविडेंस जुटा है, बैंक से भी सारी जानकारियाँ उपलब्ध की गई और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। तो वर्तमान में ये सारा ट्रांजेक्शन लगभग 15 से 20 दिनों का ही था, इसलिए पूरी चीज़ पकड़ में आ गई है और जो भी दोषी है उनको चिन्हित कर लिया। पटना में फैले डेंगू के आतंक से लोग परेशान हैं। डेंगू ने विकराल रूप ले रखा है, ऐसे में पटना के जिलाधिकारी ने पटना के लोगों से ब्लड डोनेशन करने की अपील करते हुए आज पटना समाहरणालय में ऑपरेशन जिंदगी के तहत ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने ब्लड डोनेट किया। जिलाधिकारी ने बताया कि डेंगू से निपटने के लिए पूरे जिले में इस तरह के कैंप लगवाए जा रहे हैं। डेंगू के कारण थोड़े हॉस्पिटल्स में ब्लड की कमी की आशंका व्यक्त की गई थी तो उसको लेकर के आज ब्लड डोनेशन कैंप प्रारंभ किए गए हैं और लगभग 70 लोग आज रजिस्टर्ड करवाए हैं जो आज ब्लड डोनेट करेंगे। और चूँकि प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ती है तो किसी भी ग्रुप में अभी वर्तमान में हॉस्पिटल्स में कमी नहीं है, लेकिन एक रिजर्व हॉस्पिटल्स में रहना चाहिए ताकि ज़रूरत के हिसाब से उसको उपयोग किया जा सके। तो आज से ब्लड डोनेशन शुरू हो गया है और 70 लोग दे रहे हैं। इसमें मुझे खुशी है कि कई वृद्ध महिलाएँ इसमें हिस्सेदारी कर रही हैं जो काफ़ी हौसले का विषय है। मैं दूसरे लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि इसमें ब्लड डोनेशन में सहयोग करें और पार्टिसिपेट करें। जो भी लोग ब्लड डोनेट करेंगे उनको हम लोग ब्लड डोनेशन कार्ड भी देंगे और साथ में प्रमाण पत्र के साथ उनके साथ सेल्फी भी हम लोगों ने शुरू की। अभी जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो सेल्फी भी आराम से लोग ले हम लोग के साथ में और क्राउड के साथ कहें कि आई एम ए ब्लड डोनर आर यू, तो इससे दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे ब्लड डोनेशन। राजधानी पटना के मीठापुर स्थित शुक्रवार को बीडी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जदयू विधान पार्षद प्रोफेसर रणवीर नंदन सीपी सिन्हा के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रचार संजय कुमार ने बताया कि कॉलेज में पीजी पढ़ाई होने से खासकर महिलाओं को काफी सुविधा मिलेगी। महाविद्यालय में पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था चालू करवा दी, इससे छात्रों का काफ़ी गौरव होगा
आसपास के बच्चियां, खासकर बच्चियां जो आसपास की है, अगल बगल में आसपास में कोई महाविद्यालय नहीं है, जिसके कारण छात्राओं को ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई या तो छोड़ना पड़ जाता है और कुछ छात्राएं दूसरे महाविद्यालयों में पीजी की पढ़ाई के लिए जा पाती है। अगर महाविद्यालय में पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था शुरू हो जाएगी तो विशेषकर छात्राएं जो मजबूरन स्नातक के बाद पढ़ाई छोड़ने पर विवश होता हो जाती हैं, उन्हें एक आयाम मिलेगा कि यहाँ के उत्कृष्ट छात्र राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हैं और भारत के सभी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना सक्रिय है और स्वच्छता, स्वच्छ रहना और समाज में स्वच्छता कायम करना एक आम जनता की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अररिया में 13 अगस्त को भीषण बाढ़ आया था, जिसके बाद पूरे जिले में बाढ़ का पानी घुस गया। फसल, सड़क, पुल और लोगों का घर सब तबाह हो गया और बर्बाद हो गया। अररिया के दहगामा और सिकटी प्रखंड के पहरिया पंचायत में इस गांव के बाढ़ प्रभावित लोगों ने जिला परिषद अध्यक्ष से शिकायत कर लिखित आवेदन दिया। इसकी पंचायत में बाढ़ राहत सूची में भारी अनियमितता बरती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि जो लोग बिचौलियों को रुपया दे रहे हैं उनके पूरे परिवार की सूची में नाम है और जो नहीं दे रहे हैं रुपया उनके नाम सूची में नहीं दिया जा रहा है। वहीं इस मामले पे जिला परिषद अध्यक्ष ने बताया कि लोगों ने शिकायत की है, डीएम से बात कर जांच कराई जाएगी। तो बार विरोध लेकर के जो आए हैं वही जो हम लोग सूची में जो नाम जो सदस्य लेकर के गया मुखिया के पास, तो मुखिया रुपया मांगने लगा सदस्य, तो सदस्य दोबारा मुखिया से आया लौट करके हम लोग से रुपया मांगने लिया, तो जिसको रुपया जुमा वो दिया, जिसको नहीं जुमा वो नहीं दे पाया, तो उसका नाम छट गया। और जो जो डबल किया छोटा सा बच्चा सबका तो मैंने डबल दिया, उसका जो 4 आदमी 5 आदमी का मोगी मरात का दे दिया, उसमें एक घर में 4 आदमी 5 आदमी को और कितना आदमी को छोड़ दिया, बेघर कर दिया हम लोग, जो बेघर है उन लोगों को नहीं मिला पैसा। इन्होंने हमें व्हीकल कराया है और एप्लीकेशन भी दिया है, तो जो स्पेसिफिक चार्ज है उसको हम अपने डीएम साहब को संसूचित किया जाएगा ताकि आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। साथ ही जो सच्चाई है कि ये संपूर्ण जिले में अधिकांश पंचायतों पर इस तरह की चीजें बिचौलिया द्वारा की गई है, हाँ, तो किसी तरह की बख्शाई सुनी नहीं चाहिए क्योंकि ये खुद ही एक बड़ी विपदा थी। शुक्रवार को समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि चर्चित प्रमुख शूटर आशुतोष कुमार उर्फ आलोक कुमार तथा अमन आनंद को गुप्त सूचना के आधार पर लोडेड कार्बाइन तथा देसी पिस्तौल सहित कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर ताजपुर थाने क्षेत्र के आनंदपुर मोरवा से संजय चौधरी व प्रवीण चौधरी को गिरफ्तार करते हुए उनके घर से लोडेड AK-47 राइफल की बरामदगी की गई है। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अपराधियों ने अपने गिरोह के अन्य सदस्यों का भी खुलासा किया। पूछताछ में कुख्यात अपराधी आशुतोष कुमार ने बताया कि ताजपुर में बीते 18 अक्टूबर को जनार्दन ठाकुर हत्याकांड में उनकी संलिप्तता थी। गहन पूछताछ करने पर कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में 38 लाख रुपए के लूट मामले में भी उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एपी के साथ सदर डीएसपी तनवीर अहमद व दलसिंह सराय एसपी संतोष कुमार भी मौजूद रहे। कार्बाइन एक मिली है, इसके साथ 16 कारतूस मिला है, कार्बाइन का 9mm देसी पिस्टल एक मिला है, इसके साथ 5 कारतूस है, 2 मोटरसाइकिल, 8 मोबाइल फोन और 2 बैग मिला है। मोबाइल फोन में वो सभी हमको सिम प्राप्त हुए हैं और मोबाइल प्राप्त हुए हैं जो रंगदारी मांगने में हत्या की योजना में इस्तेमाल किए गए हैं। अभी आगे भी इसमें और रेड और छापेमारी जारी है और जो भी इसमें अपराधकर्मी शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी त्वरित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। क्या ये भी सर खुलासा हो पाया कि ये 47 कहाँ कहाँ चली? अभी ये अनुसंधान का विषय है, इस पर अभी हम आगे अगर अनुसंधान करेंगे उसके बाद ही। इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।